आज हम बनाएंगे बिना प्याज और लहसुन के लोबिये की फली। आज की यह सब्जी सिर्फ 8 से 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगी। आज हम लोबिये की फली कुकर में बनाकर तैयार करेंगे। नमस्कार, कुसुम कुकिंग लैब में आपका स्वागत है। रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर 250 ग्राम लोबिये की फली ली है, जिन्हें मैंने पहले से अच्छे से धो लिया है। अब हम इन सारी फलियों को काट लेते हैं। यह देखिए, मैंने सारी फलियां इस तरह काट ली हैं। तो अब मैंने कुकर में डाला है 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल। तो तेल गरम अच्छे से हो चुका है, तो इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा और 1/4 चम्मच हींग। हींग से इस सब्जी का फ्लेवर और भी अच्छा आता है। साथ ही इसमें डालेंगे 2 साबुत लाल मिर्ची। जीरा अच्छे से गर्म हो गया है, तो इसमें डालेंगे हम 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और इसमें डालेंगे कटी हुई लोबिये की फली। तो मैंने यहाँ पर सारी लोबिये की फली इसमें डाल दी है और इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज के कटे हुए आलू। आलू को मैंने पहले से धोकर कट कर लिया है। तो अब मैं यहाँ पर कुछ इसमें मसाले ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मैंने 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच धनिया पाउडर और साथ ही डालेंगे इसमें 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। आप यहाँ पर 2 हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा भुने हुए जीरे का पाउडर और साथ ही डालेंगे इसमें 1/2 चम्मच नमक या फिर स्वाद के अनुसार। मसालों को और सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी भी डाल दिया है। अब हम कुकर का ढक्कन लगाकर इसमें 2 सीटी लगाएंगे। तो यह देखिए, कुकर में सीटी भी आ चुकी हैं। अब हम कुकर का ढक्कन हटाकर देखते हैं। लोबिये की फली अच्छे से पक गई है। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा पानी दिखाई दे रहा है, तो 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर सब्जी को और पकाएंगे, इससे यह पानी सूख जाएगा। आलू और लोबिये की स्वादिष्ट सब्जी बनकर तैयार हो गई है। आप इसे रोटी या पराठे के साथ एंजॉय कर सकते हैं। आप इसे लंच में या डिनर में बनाकर तैयार कर सकते हैं। आलू और लोबिये की फली खाने में स्वादिष्ट होती है, तो आज की इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिए। आप इस सब्जी को अगर नवरात्रि में व्रत नहीं रखते और आप बिना लहसुन प्याज की सब्जी खाना चाहते हैं, तो आप इस सब्जी को जरूर बनाइए और खाइए। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।